हाय फ्रेंड्स, गौतम टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस टाइम में डिजिटल इतनी इम्पोर्टेंट हुई है कि उसकी हम गणना नहीं कर सकते। वैसे ही हम आप सभी को, जैसे हम पीपल्स के बारे में अलग अलग टाइप के अलग अलग टॉपिक पे आप सभी को इन्फॉर्मेशन दिया, वैसे आज मैं फिर से आप सभी को एक अच्छी सी टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। मीन्स आप जो वर्ड पॉइंट यूज करते हैं, एमएस ऑफिस से निकल कर आया हुआ है जो एमएस वर्ड, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मीन्स वो एमएस वर्ड में हम कैसे काम करते हैं और उस प्रोसेसिंग में कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से टूल बार होते हैं, उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम अपने बुक के माध्यम से कैसे उसमें हम वर्क करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, जैसे हमारा आज का टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो आप सभी को मैं बता दूं कि इस टॉपिक का जो मैं सेशन ले रहा हूं, इस टॉपिक के बुक कौन से हैं, वो चीज मैं आप सभी को पहले बता देता हूं। हमारे पास एक टिपल सी की बुक, देखिए, एक अवेलेबल पड़ी हुई है। देखिए, हमारे पास एक टिपल सी की बुक पूरी पड़ी हुई है। ये इस बेस से बच्चे 100% रिजल्ट आउट पास आउट कर लेते हैं। तो आज मैं आप सभी को इसी बुक के माध्यम से कुछ, आप सभी को इसी के जरिए कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ इंफॉर्मेशन वर्ड के बारे में दूंगा, जिससे कि आप सभी को पूरी पूरी तरह से प्रॉपर जानकारी मिलेगी। तो देखते हैं हम फिर से ट्रिपल सी के कोर्स में कौन टॉपिक है हमारा, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो हम देखते हैं फर्स्ट इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, वर्ड की क्या है। माइक्रो वर्ड रीड करके बता देते हैं। माइक्रो वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। दूसरे शब्दों में यह मात्र रिपोर्ट एवं प्रोजेक्ट को बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए एक प्रोग्राम है। इससे उपयोगकर्ता की रुचि एवं आवश्यकताओं की निर्भरता के अनुसार कई कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे एक टाइप किया हुआ लेटर, डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट को आसानी से बदल सकते हैं और उन्हें भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। मुख्यतः एक वर्ड प्रोसेसर कम मेहनत में अधिक प्रभावी एवं कुशल तरीके से कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। मींस क्या होता है, जो चीज हम वर्ड पर में बना लेते हैं, उस चीज को हम बहुत ज्यादा समय तक भी उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं, और हम चाहे तो इसमें बनाने के बाद हम और भी किसी प्रोग्राम या किसी फाइल में हम उसे कन्वर्ट करके सुरक्षित हम रख सकते हैं। तो हम देखते हैं फिर से वर्ड पैड के प्रोसेसिंग बेसिक नॉलेज क्या है। अभी देखते हैं हम वर्ड पैड की बेसिक नॉलेज पूरा प्रॉपर से आप सभी को इंग्लिश और हिंदी में दोनों बताते हैं किस तरह से इसकी मीनिंग निकलती है। देखते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू मैनिपुलेट द टेक्स्ट और वर्ड लाइक लेटर, ड्राफ्टिंग पैराग्राफ, कंपोजिशन एंड सो ऑन। हियर वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट विच हैज अ लार्ज नंबर ऑफ इलर एंड लेटेस्ट वर्जन। हेयर वी विल डिस्कस अबाउट एनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, 2007 एंड 2010 वर्जन। मीन्स अभी जो सारे 2003 से जो वर्जन आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, वो सारे 2010 तक वर्जन सेम वही उसमें बताया गया है। इसका हिंदी में भी हम जान लेते हैं क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो टेक्स्टल पैराग्राफ को तैयार करने और उस पर मॉडिफाई
एप्लीकेशन करने में इस्तेमाल होता है। यहाँ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एप्लीकेशन है के बारे में जिक्र करेंगे। यहाँ हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003, 2007, 2010 के वर्जन के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब मीन्स क्या होता है, ये जो हमारा जो एक पिक्चर दिख रहा है, अब मैं आप सभी को इस पिक्चर के मीडियम से बता देता हूँ इसकी पूरी इंफॉर्मेशन। देखिए पूरी इसमें डिटेल से इसमें पूरा फिलअप करके इस पिक्चर में बताया गया है। पहले एकदम मैं अपने पिक्चर्स को एकदम जूम करके आपको एक एक पॉइंट इसमें बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। एकदम आपको पास से आप सभी को एक एक चीज बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से चीज इसमें दिए गए हैं। आप जब सबसे पहले आप ओपन करते रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें देखते रहेंगे कि फाइल नीचे आती है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, फिर उसमें एक्सेस आते हैं, बहुत सारे एमएस ऑफिस में सॉफ्टवेयर रहते हैं। तो वैसे ही उसी सॉफ्टवेयर से निकल कर आया है कौन सा वर्ड आया है। तो इसमें हम फर्स्ट में देख लेते हैं हमारा क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, जो हमारा ऊपर का जो ये रहता है क्विक एक्सेस टूल बार, और ये रहता है रिबन टैब। मीन्स रिबन टैब ये जो ऊपर की लाइन है, ये जो ऊपर की लाइन है, इसी इन्हीं सारी चीजों को ये क्या किया है, ये हेडलाइन करके दिया दिखाया गया है। ये देखें यहाँ पे एक लाइन भी किया गया है, ये जो इसमें जो सारे टूल्स दिए हैं इसके क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब शॉर्टकट ए टूल बार्स इसमें यूज किए गए हैं। और ये हो गया रिबन टूल, मीन्स ये जो लाइनिंग किया गया है ये इसको रिबन टूल बोलते हैं। और ये टाइटल बार, मीन्स ये जो पूरी जो लाइन है इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। और मीन्स आगे देखते हैं कौन से हैं, यहाँ पे विंडोज कंट्रोल, ये है विंडोज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मीन्स मिनिमाइज होता है, कट होता है, और इसको बॉक्स को शॉर्ट आउट करता है, मीन्स छोटे प्रोग्राम में एडजस्ट करता है। फिर हम नीचे देखते हैं लेफ्ट साइड में कौन कौन सा आता है, आउट ऑफिस बटन, मीन्स मेन जो ऑफिस का बटन आता है यहाँ पे उसका चिन्ह बनाकर यहाँ पे मार्किंग बनाकर यहाँ पे ऑफिस बटन दिया, यहाँ पे हम डालेंगे तो डायरेक्ट ऑफिस से हमें पूरी फाइल की फाइल ओपन हो जाती है। यहाँ पे देखते हैं टैब सेक्टर, मीन्स यहाँ पे जो टैब का सेक्टर है, मीन्स क्या होता है इसकी जो लाइनिंग है, मेजरिंग है, वो इस पेज की मेजरिंग यहाँ पे साइड में दर्शाता है। नीचे क्या है, वेरियर रबर्स रूलर्स, तो इस चीज को हम क्या करते हैं, ये क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दोनों इसमें मेजरिंग दिया गया है कि कौन से साइड में पेज को कितने मिनिमम और मैक्सिमम में रखा जाता है। देखिए यहाँ पे हम अंदर में भी दिखा देते हैं सर्कल दिया है, मीन्स इसका क्या है, जो ये लाइन जो व्हाइट वाली दिख रही है इस लाइन के ही एकदम सीधा स्टेट में ही ये हमारा वर्ड टाइप होगा, इसके न इधर न उधर, इस लाइन में ही इसका मेन सर्कल का ही उद्देश्य है कि इसे इसके ही स्टेट में ये मार्किंग होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, रिबन लिखा है, रिबन में जो ऊपर का जो सारे टूल्स हैं उसके बारे में बताया गया है। और हम देखते हैं आगे कौन कौन से टूल्स के बारे में दिया है, हॉरिजॉन्टल रूलर, हॉरिजॉन्टल रूलर मतलब जो आपको बताया, हॉरिजॉन्टल रूलर मतलब पट लाइन की जो वर्टिकल लाइन मेजरिंग लाइन दिया गया है पेजेस का, उसके बारे में बताया गया है। और आगे देखते हैं यहाँ पे हेल्प बटन दिया है, यहाँ पे जो एक बतिया है हेल्प बटन दिया है, इसके बारे में पूरे यहाँ पे हेल्प मिलेगी हमें जो यहाँ पे हमें यूज करने में प्रॉब्लम होगी। अभी हम देखते हैं यहाँ पे व्यू रूलर बटन, यहाँ पे हमारे व्यू रूलर बटन मीन्स ये जो रूलर है हमारे मेजरिंग के रूल हैं उसके बटन से यहाँ पे मेन दिए गए हैं साइड में, राइट साइड में ये वर्टिकल स्केल बार, मीन्स जो हमारे स्केल मीन्स पेज को अप और डाउन किया जाता है, ये हमारे ये वर्टिकल स्क्रॉल बार दिया गया है, ये इससे हमें वो चीज पेज को अप डाउन करते हैं। अभी नीचे क्या है, ब्राउजर बटन, ब्राउजर बटन मीन्स क्या होता है, इसे हम डायरेक्ट अपने ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हैं, जैसे हमारा कोरल ड्रा हो गया, क्रोम हो गया, इस चीज को हम यहाँ से डायरेक्ट वहां पे भी ओपन कर सकते हैं। नीचे देखते हैं कौन कौन से हैं, आप सभी को बताया था जैसे यहाँ पे जूम के लिए ऑप्शन दिया रहता है राइट साइड में, यहीं पे क्लॉक दिया रहता है और डेट का भी दिया रहता है इसमें, फिर पेज सेटअप का भी यहीं पे दिया रहता है ऑप्शन, हाफ और साइड मीन्स मीडियम साइड सारे पेज बटन यहीं पे दिए रहते हैं।
अभी यहाँ देखिए व्यू बटन, इस पेज को हम कैसे देखते हैं, कैसे उस पर हम प्रोग्रामिंग करते हैं, वो चीज भी यहीं से हम देखते हैं। यहाँ पे स्टेटस बार, मेन स्टेटस बार, कितने पेज में हम लिख लिए, कितना हमें और पेज हमें अभी चाहिए, यहाँ पे हमारे पूरी डिटेल्स दिखाती है। टेक्स एरिया, यहाँ पे जो साइड में खाली जगह दिख रहा है स्पेस, ये हमारा टेक्स एरिया है, इसमें हम कुछ भी टाइप करके लिख सकते हैं। यहाँ पे है हमारा डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, मीन्स यहाँ पे हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ उसके यहाँ पे नाम दिए रहते हैं, और कौन से नाम से हम उस डॉक्यूमेंट्स को सेव करते रहते हैं और कौन से फाइल में सेव करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलती है। तो ऐसे ही हमें वर्ड में एक एक पार्ट्स, एक एक पिक्चर्स के माध्यम जो फर्स्ट होम पेज है उसके बारे में ऐसे ही आप सभी को इंफॉर्मेशन, आप सभी को प्रैक्टिकल में मिलेगी जब आप इस तरह की सीट ओपन करेंगे तब। तो चलते हैं, हम अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।